ठीक है इस आपको एफएक्स पे काम करना है तो यहाँ पे मेन्यू सेट में जाके यहाँ पे चेंज करना है एफएक्स। एफएक्स चेंज करते हैं आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एन पार्टिकल्स। ठीक है अभी एन पार्टिकल्स के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है उनको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ओके अब इसी के अंदर आपको यहाँ पे देखना है कि लाइक पार्टिकल्स क्या होता है, उसके बारे में क्या यूज़ क्या है, ठीक है वो सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। पहले यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट मिलेगा, बॉल पे करोगे तो बॉल आएगा। ठीक है अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं एक एमीटर क्लिक करता हूँ, ठीक है क्रिएट एमीटर, डब्ल्यू प्रेस किया, यहाँ देख रहे ये एमीटर आ गया यहाँ पे। ठीक है अभी यहाँ से क्या है, यहाँ पे हम चीज़ को मैनेज करते हैं, यहाँ पे प्ले करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका क्या होगा, ये पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल्स में आप जैसे आप कोई भी चीज़ आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है सेफ राइट क्लिक एंड प्लेन आर फॉर स्केल, ये कर दिया मैंने। ठीक है अभी क्या करना है, हम यहाँ पे चीज़ों को हमें यहाँ पे मैनेज करना है कि मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, जैसे मेरे पास यही देखो मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं, यहाँ देखो मॉडलिंग में है, हम लोग एफएक्स में गए यहाँ पे। ठीक है दिस इज वन एंड टू, ठीक है यहाँ पे हमें ऑप्शंस कई मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे एन पार्टिकल्स है, फ्लूड है, एन क्लॉथ है, हेयर है, एन हेयर है, ठीक है एन कॉन्स्टेंट है, ठीक है एन गैस है, ये सब कुछ हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे कि भाई कैसे क्या क्या काम होता है यहाँ पे। फील्ड सॉल्वर है, इफेक्ट्स है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है बायफ्रॉस्ट है यहाँ पे, वॉश है यहाँ पे, ठीक है मैस है, ठीक है और कैसे है यहाँ पे। ठीक है अभी ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे, हम लोग को यहाँ पे करना है क्या कि अगर मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पे मैंने पिक किया तो मैं इस पर कैसे क्या काम करने वाला हूँ। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज़ को मैं पिक करता हूँ यहाँ पे, पिक करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल ए एट्रीब्यूट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे काउंट है, देखो काउंट कितना है, कितने पार्टिकल्स निकले, देखो देखें यहाँ पे ये चीज़ आप बढ़ता रहेगा जितने पार्टिकल्स निकल रहे हैं यहाँ पे। लाइफ स्पैन क्या है, लाइफ फॉर एवर, मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट कर दिया, फिर से प्ले करो, ठीक है कॉन्स्टेंट वन दे रखा है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा पॉइंट टू, ठीक है यहां तक हो गया, मैं यहाँ पे पॉइंट फाइव, तो कॉन्स्टेंट क्या समझ में आ रहा है कि जय उसकी लाइफ क्या है, जीरो से स्टार्ट होकर पॉइंट फाइव तक जाके खत्म हो जा रही है यहाँ पे। ठीक है मैं यहाँ पे करता हूँ पॉइंट एट, तो यहाँ पे क्या चीज़ों को समझना है, कॉन्स्टेंट में क्या होगा उसकी हमने लाइफ डिसाइड की है। ठीक है यहाँ पे अगर हम लोग कर देंगे लाइफ फॉर एवर तो यहाँ पे ये इसका एंड नहीं होगा, देखो ठीक है इन चीज़ को हम थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे कि कैसे क्या काम करना है। ठीक है रैंडम रेंज है तो रैंडम रेंज में रैंडम रेंज आपका ऐसे दिखेगा, जस्ट आपको एक बार देखना आपको यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट आपको दिखने वाला है। ओके अभी इसके बाद हम लोग देखें और क्या है, लाइफ स्पैन पीपी ओनली, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा यहाँ पे। ठीक है ये सब क्या है कि लाइक पर पार्टिकल है, हर पार्टिकल पे काम करने वाला, तो यहाँ पे चीज़ों को हम लोग देखेंगे वन वन करके। ठीक है ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे पार्टिकल साइज है, मेरे पास यहाँ पे पार्टिकल साइज में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे रेडियस है, रेडियस बड़ा करना छोटा करना ये मैं ऐसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है रेडियस स्केल है, रेडियस स्केल में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे देखना रेडियस है, यहाँ पे मैंने किया अप डाउन देखना है भाई, देखो अभी देखना है ये अगर मैं देखो यहाँ पे प्ले कर दूँ यहाँ पे तो ये भी एक पार्ट दे सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ से क्रॉस कर दो आप यहाँ पे। ठीक है तो ये भी हमारे से एक पार्ट है कि हम लोग कैसे पार्टिकल्स को हम लोग यहाँ पे प्ले करके दिखा सकते हैं। ये सब चीज़ें भी आपको देखना है कि भाई कैसे क्या काम करना है, धीमे धीमे मैं आपको कोलिजन में भी बताऊंगा भाई कोलिजन का पार्ट क्या है, कैसे क्या काम करना है वन वन करके। पहले कुछ बेसिक पैरामीटर पे आपको देखना है, और यहाँ पे जैसे हम लोग पार्टिकल में क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या करना है, सबको एक एक करके ट्राई करना है। जैसे क्लाउड किया, क्लाउड क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाके क्रिएट एमीटर किया, मैंने दूसरा एमीटर क्लिक किया तो यहाँ पे दूसरा एमीटर मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है क्लाउड क्या है, थिक क्लाउड क्या है, ये सब आपको एक एक करके ट्राई करना है आपको। ठीक है वाटर क्या है, ठीक है इसका मेरे पास पॉइंट्स क्या है, तो इन सब चीज को मुझे वन बाय वन करके ट्राई करूंगा तो मुझे थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो
अच्छा फर्स्ट क्लास मैं आपको यही बताऊंगा, पहले थोड़ा सा बेसिक्स आपको यहाँ पे देखना है, स्टडी करना है, ताकि आपको पता चले ये पांचों चीज़ें हैं क्या। ठीक है, वैसे एक बार ट्राई करोगे, ट्राई करने के बाद फिर मैं से डिस्कस करूँगा।